तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। जनाब आज हम पीकेसी के डॉग शो पे आए हुए हैं, तो देखने में नज़र आ रहा है कि जी बहुत ही अच्छे अच्छे डॉग आए हुए हैं। तो चले आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस नस्ल के कौन कौन सी ब्रीडें आई हुई हैं। ब्रीड तो काफ़ी सारी आई हुई हैं, चले दिखाते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम जी, आप मुझे डॉग लवर्स लग रहे हैं। जी लवर तो नहीं, बस एक शौक़ है मेरा और मैंने इनको रखा हुआ है बड़े प्यार से, इसलिए इनको हर चीज़ की कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग दे सकूं। और जैसे कि आपने देखा मैंने इनको क्लैपिंग करना सिखाया और जादू की कैसे करते थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्वीटे क्लैपिंग करो। गुड 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 क्लैपिंग जी। ये देखें, और ये जादू की जफी भी देती हैं। अच्छा, और बिल्कुल शेक हैंड करती। आपने इसके शो में पार्टिसिपेट किए थे? जी इस बार तो नहीं किया, पिछली बार किया था और दूसरी पोजीशन पे आई थी ये। अच्छा, और अच्छा। इस बार जो है टाइम थोड़ा ओवर हो गया था, जिस वजह से मैं लेट आया और पार्टिसिपेट नहीं कर सका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ज़रूर करेंगे। तो अब ये आप ये जो पाकिस्तान कैनल क्लब के ये जो इस पे क्लब इधर आए हुए, तो आपको कैसा लग रहा है? सर माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर साल जैसे यहाँ पे और भी दूसरी जगहों पे होता है गोल्फ क्लब वगैरह, या मैं अपने डॉग लेके पहुँचता हूँ। और एक फीमेल मेरी शिरजू जो है वो घर पे है। अच्छा। क्योंकि उसको मैंने ट्रिम किया हुआ था तो मैं इसलिए ने उसको लेके आया। ये पपी है, ये जो आपके ये छोटे वाला, ये कौन सा है? ये शिरजू है और 55 डे का है, और कहने देखने वाला समझता है शायद ये 25 डे का होगा। अच्छा, दिखाइए। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं कितने टाइम का? ये 55 डे का है और ये पेडिग्री है पीकेसी, और पीकेसी का जी पीकेसी का पेडिग्री है। और ये देखें मेल है जी, फीमेल है ये। अच्छा। और इसको कुछ लोग यहाँ बहुत सारे आए हैं मेरे पास के सेल करना है, तो मैंने उनको मना कर दिया है, और पेमेंट भी लगाई है उन्होंने 80,000 तक, और मैंने मना कर दिया। चलें ठीक है, आपकी शौक है ना। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? तारिक। अच्छा तारिक भाई, ये कौन सी ब्रीड लेकर आए हैं आप? ये पिटबुल लेकर आया हूँ मैं डॉग शो पे। अच्छा, तो इसने पार्टिसिपेट जो किया है तो इसमें क्या पोजीशन आई है इसकी? ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, मुझे बहुत खुशी है। जी। तो ये ब्रीडर ये है जी इनका, ये देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये भाई का जो डॉग आया ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, ये उसके हैं कागज़। और ये मुझे ये बताइए कि ये गार्ड डॉग? जी, ये गार्ड डॉग के लिए भी बहुत अच्छा है, घर में फैमिली डॉग के लिए बहुत अच्छा है। अग्रेसिव तो नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं रखा हुआ है। अच्छा, तो इसको खाने पीने में क्या दे रहे हैं जी? इसको मैं चिकन चावल भी देता हूँ, डॉग फूड भी देता हूँ। अच्छा, तो आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं पिंजर डाल देते हैं, मगर मैं इन चीज़ों को नहीं डालता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही डाल देता हूँ। अच्छा, आप इसको दो टाइम वॉक करा रहे हैं? जी, दो टाइम सुबह शाम। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आप ये पाकिस्तान कैनल क्लब में यहाँ पर जब आप डॉग शो पे इसको लेकर आए हैं, तो आपको ये जो आपका पहला नंबर आया है इसमें, आपको ये पाकर आपको कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब डॉग अपने ही हैं, जितने भी हैं सभी अपने ही हैं। हाँ। मगर अपने डॉग की खुशी जो होती है वो तो अलग ही होती है, तो उम्मीद है कि सबको खुशी है। जी, देखे सारे अब खुश हैं बहन भाई। चलें ज़रूर इंशाल्लाह। फिर ये कोई और इसके अलावा आपके पास जानवर हैं अभी जो आपके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल हैं, वो ज़रा रिंग में है, ज़रा अभी चल रहा है, इनका शो चल रहा है। जी तो चलें फिर, वो वहीं चल कर या वहाँ पर जैसे है होते जाएंगे तो वो बनवाएंगे हम। ठीक है भाई तारिक भाई। जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप मुझे डॉग लवर्स लग रहे हैं। जी समझा। अच्छा, तो ये इसने पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल पार्टिसिपेट किया इसने। अच्छा, तो ये जो कप लेकर आई, ये फर्स्ट पोजीशन पे? जी ये फर्स्ट पोजीशन पे कप है, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये कैमरामैन मेरा दिखा रहा है ये आपको। तो ये अभी इसकी कितनी एज होगी? ये 4 मंथ्स का बेबी। माशाल्लाह, अभी बेबी है पापा? ये पापा है, पपी है। जी। तो ये भी आप भी बहुत शौक रखती हैं पपीज का? अच्छा, तो ये आप ही का ये? क्या नाम है आपके पपी का? आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है?
मेरी? अच्छा, तो ये आपकी बात सुनता है भाई। आपका क्या नाम है? कनिका। कनिका। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी? खुशी बेटा, आपका पपी तो बहुत अच्छा है भाई। ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है? जी, फर्स्ट पोजीशन में आया है। जी जी जी, बहुत ही प्यारा है। चले चले, तो इसको आप खाने पीने में क्या क्या खिला रही हैं? रॉयल कैनल। अच्छा, दो टाइम या एक टाइम? दो टाइम। दो टाइम खिला रही हैं। और वॉक के लिए भी लेकर जा रहे हैं आप? यस। वाह वाह, शाबाश। चले चले चले, भी बस देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा, ये इनका पपीज है, तो थोड़ा चलाइए, खड़ा कीजिए जरा, देख रहे हैं। हाँ चलें व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा पपी है इनका। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आप? हमजा नाम है मेरा। जी हमजा भाई, ये मुझे बताइए कौन सी ब्रीड लेकर आए हैं आप? ये नेपोलिटन मैस्टिफ है। नेपोलिटन मैस्टिफ। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे बताएंगे इसकी कितनी एज होगी? अभी 2.5 साल है। अभी 2.5 साल का है, तो ये तो अभी बिल्कुल ये यंग पोजीशन पे है। हाँ, ये अभी 2.5 साल में जवानी होती है। अच्छा अच्छा, तो ये अभी इसने पार्टिसिपेट किया? जी जी, अभी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। अच्छा। और जब भी नाम अनाउंस होगा तो इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, और इस कैटेगरी में और कोई है ही नहीं मिल जी? इस कैटेगरी में मुझे पूरे शो में अभी तक कोई नज़र तो नहीं फिलहाल आया। तो इसका क्या नाम है? थॉर नाम है इसका। थॉर। तो इसको खाने पीने में क्या दे रहे हैं? सुबह हम दही के साथ डॉग फूड देते हैं और प्लस चिकन, और फिर शाम में रात में हम इसको बॉयल चिकन के साथ, यानी बॉयल चावल। दो टाइम खाना दे रहे हैं? जी दो टाइम खाना देना है, और बीच में कभी कभार आप घुमाने लेके जाते हैं, कुछ करते हैं। रोज़ इसको वॉक नहीं दे रहे? नहीं नहीं, रोज़ डेली सुबह शाम वॉक तो इसके लिए यानी ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, दोनों के लिए नहीं, जितनी भी ब्रीड हैं तो वॉक सबके लिए ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी आपके पास ब्रीड हैं? जी, एक फ्रेंड मैस्टिफ है मेरे पास, मेल फीमेल दोनों हैं। ठीक है, तो इसकी फीमेल है आपके पास? इसकी फीमेल नहीं है, इंशाल्लाह वो भी इंपोर्ट करा लेंगे। अच्छा, तो ये इंपोर्ट हुआ है? जी, मेरे पास जितनी भी ब्रीड है सब इंपोर्ट है। ये पेडिग्री है? जी जी, पेडिग्री है, रशियन पेडिग्री। जी, तो ये अगर इसकी ये आप अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो इसको बेचेंगे भी आप? यार अभी तो खैर नहीं है मून बेचने का। ठीक है, मैं इनकी एक फीमेल उठा के और ब्रीड करानी है कोई। ठीक है ठीक है, तो इसके अलावा और आप एक ब्रीडर हैं, आपके पास और भी ब्रीड्स होती हैं? और भी ब्रीड्स हैं मेरे पास, फ्रेंड मैस्टिफ की पूरी ब्रीड है, अमेरिकन बुली है, इंग्लिश बुलडॉग है, और पिटबुल है, और एक अमेरिकन बुली की फीमेल भी है। अच्छा, तो इसका मकसद ये कि अगर कोई आपसे कोई मेट लेना चाहे तो आप उसको दे सकते हैं आप अपने? जी जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर नोट कर लें, जैसे भी आपको ब्रीड की नीड हो हम आपको करवा। हाँ ठीक है, तो आपका नाम क्या है? हमजा। और अपना हमजा भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, लोकेशन। जी लोकेशन नॉर्थ कराची, सेक्टर 11 है, 11 कैनन के नाम से इनका एक पेज है मेरे पास, जो मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ इनको। ठीक है, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जी, और इनका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 03132758020। चलें ठीक है ठीक है, मुझे जो आपके पास दूसरी ब्रीड है कोई तो वो अगर है इधर तो मुझे दिखाइए। जी ये भी हमजा भाई का है? जी जी, ये भी उन्हीं का है। अच्छा अच्छा, तो ये भी मेल है फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, इसने भी पार्टिसिपेट किया है? जी। अच्छा, तो इसकी उम्र क्या है अभी? इसकी उम्र होगी तकरीबन 1 साल। अच्छा, तो ये ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है? ये दूसरों के साथ है, ह्यूमन फ्रेंडली है, वैसे ये दूसरे डॉग्स के साथ फाइट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ह्यूमन फ्रेंडली है। तो ये कौन सी ब्रीड कहलाएगी? ये अमेरिकन बुली है। ये अमेरिकन बुली है, ये पिटबुल नहीं है। इसका फेस इस तरफ कीजिए कैमरे की तरफ। हाँ जी जी, थोड़ी वॉक कराइए, आगे लेकर जाइए इसको, ये देख रहे हैं अभी बस। तो इसके अलावा और कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये है हमजा भाई, ये जो तीसरा जानवर है ये है आपका, ये भी मेल है? ये भी मेल है, इसकी फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा, वो इसी से ही है? जी वो भी इसी से ही है। अच्छा, तो इसकी एज क्या होगी अभी? इसकी अभी भी 3 साल एज है। तो क्या ब्रीड बताई आपने? ये फ्राइन मैस्टिफ। अच्छा, ये फ्राइन मैस्टिफ है। तो और इसके अलावा मुझे ये बताइए इसकी उम्र क्या बताई आपने? अभी 3 साल उम्र है इसकी। अच्छा, 3 साल उम्र है। तो इसके अलावा आपने किसी और को इसका स्टड दिया? इसको मैंने फर्स्ट टाइम पहले इम्पोर्ट कराया, क्योंकि मेरे पास फीमेल थी, मेल नहीं था। ठीक है, मेल पहले मैंने इम्पोर्ट करवाया, इम्पोर्ट कराने के बाद इसका मैंने एक स्टड निकलवाया, यानी अब वो प्रेग्नेंट है, इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में वो बच्चे दे देगी। तो कितना टाइम हो गया मेट हुई को? 45 डेज होने वाले हैं अब। ठीक है ठीक है, तो अगर चलो किसी पे भाई को चाहिए होगा तो फिर वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा, नंबर मैं आपका स्क्रीन पे चला दूंगा। तो मुझे ये बताइए इसके अलावा और क्या ब्रीड है आपके पास? इसके अलावा मेरे पास इंग्लिश बुलडॉग है। इंग्लिश बुलडॉग, वो आपने अभी दिखाया नहीं हमें, इसके अलावा वो दिखा दें हमें। इंशाल्लाह मैं वो दिखा देता हूँ आपको।
आऊँगा। तो ये भी पार्टिसिपेट इसने भी किया है? जी जी, इसने भी पार्टिसिपेट किया है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलें। खैर हमजा भाई, बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है आपके पास, तो इसके अलावा और कोई? इसके अलावा बस अभी तो ये चार हैं बाकी। अच्छा, तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपका नंबर हमने ले लिया है, तो फिर अस्सलाम वालेकुम।